टीआरपी की कसौटी पर पेश आए इस हफ्ते के टॉप 10 सीरियल्स। पीएआरसी यानी ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन रिसर्च काउंसिल के डेटा के अनुसार इस हफ्ते सीरियल्स की दुनिया में हुआ है जबरदस्त फेरबदल। वैसे भी आईपीएल के चलते सीरियल्स की व्यूशिप थोड़ी घटी है और सीरियल्स के समीकरण भी बदले हैं, तो डलिए नजर डालते हैं हफ्ते के टॉप 10 रियलिटी शोज और सीरियल्स पर। वीकेंड सीरियल्स की बात करें तो इस हफ्ते भी नंबर वन पोजीशन पर है नागिन 4.8 की टीआरपी पर। और डेली सोप के हिसाब से नंबर वन बन गया है ये है मोहब्बतें 3.3 की टीआरपी पर। भाई लगता है इशिता रमन की जुदाई सबको पसंद आ रही है। तीसरे नंबर पर नीचे गिर गया है साथ निभाना साथ या 3.1 की टीआरपी पर, जहां एज यूजुअल सास और बहू का ड्रामा बरकरार है। चौथे नंबर पर खिसक कर नीचे आ गया है कुमकुम भाग्य 2.8 की टीआरपी पर, जहां अभी प्रज्ञा और तनु की लड़ाई अभी भी जारी है। पांचवे नंबर पर 2.5 की टीआरपी पर उछाल मारी है ये रिश्ता क्या कहलाता है ने, जहां नक्श की ट्रॉली का ड्रामा दर्शकों को काफी भाया। छठे नंबर पर अपनी पोजीशन बनाई हुई है नए नवेले सीरियल कसम ने 2.4 की टीआरपी पर, जहां तनु और ऋषि की कहानी दर्शकों के दिल को छू रही है। सातवीं पोजीशन पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2.1 की टीआरपी पर, जहां अय्यर और बबीता के तलाक का ड्रामा बड़ा ही मजेदार हो गया है। आठवीं पोजीशन पर कॉन्स्टेंटली बना हुआ है उड़ान और अशोका 2 की टीआरपी पर। नौवीं पोजीशन पर काफी नीचे गिर गया है दिया और बाती हम 1.9 की टीआरपी पर। दसवें नंबर पर बहुत ही नीचे पहुंच गया है ससुराल सिमर का 1.8 की टीआरपी पर। भाई लगता है कि चंद्रमणि का ड्रामा सिमर के घर में नहीं चल रहा है। इस हफ्ते का सरप्राइज है लाइफ ओके का सीरियल हमारी बहू रजनीकांत, जो 1.4 की टीआरपी पर इस हफ्ते का सरप्राइज है। और अब है हफ्ते का सबसे बड़ा सरप्राइज, जो है कपिल शर्मा शो, जिसके पहले एपिसोड ओपन हुआ 3 की टीआरपी पर, लेकिन दूसरे दिन टीआरपी 2.9 पहुंच गई। लेकिन इस शो की वजह से सोनी चैनल को काफी फायदा हुआ है। इस हफ्ते का दूसरा रियलिटी शो है कॉमेडी नाइट्स बचाव और कॉमेडी नाइट्स लाइव का कॉम्बो एपिसोड। और तीसरी पोजीशन पर है सारे गामा। एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात करें तो नंबर वन पोजीशन पर है स्टार प्लस, दूसरी पोजीशन पर है कलर्स और तीसरी पोजीशन पर है जी टीवी। आज तक ब्यूरो।